कि एक सिख तरफान पहन भी सकता है जी और कैरी भी कर सकता है। भले सोनिहाल, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन 25 धारा बोल रही है जी। अभी लाला हरियाणा बना था हरियाणवियों के लिए, पर आप लोगों ने तो एक पंजाबी लाला आपका चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, आपको शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? नहीं नहीं, इसमें शर्म की क्या बात है जी? है शर्म की क्या नहीं है? अरे आप हरियाणवी हैं और पंजाबी आपके ऊपर चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, तो ये शर्म नहीं है? सर, 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 अच्छा फिर शर्म की कमी होगी, फिर शर्म की कमी होगी? सर आप ये जनता को कह रहे हैं या पत्रकारों को कह रहे हैं? नहीं, पत्रकारों को तो आप भी तो जनता है, आप जनता को बात बोलनी है तरफ से सारी। मैंने तो आप भी मुझे भी कहा है कि हम भैंसी का दूध पीते हैं तो मोटा दिमाग होता है हमारे लोगों का। आप समझिए सर, भगत सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान आईपी का अफसर मार दिया था, एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल चंदन सिंह मार दिया था, जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है का भगत है ये आप बता दिए, पुलिस भेजना, पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात है। देश की आजादी के लिए तो गलत नहीं है सर, देश की आजादी के लिए तो गलत नहीं है। ये आपकी सोच है, पर है तो पंजाब में, पंजाब में सर, ये पंजाब में इतना आपके सब हरियाणवी हैं जो गैंगस्टर है, हमारे पंजाब में बहुत थोड़े हैं। आप लिस्ट देखे, आप लिस्ट देखिए, हरियाणवी के बहुत ज्यादा गैंगस्टर बन गए हैं जो पंजाब में ऑपरेट। नहीं, पंजाब का कोई नहीं है सर। गोल्डी बराड़ कहाँ से है जिसने जिम्मेवारी ली मुझसे? गोल्डी बराड़ कहाँ से है? लॉरेंस बिश्नोई कहाँ से है? एक आदमी गोल्डी है पंजाब का, पर मारने वाले तो सारे हरियाणवी हैं। नहीं, लॉरेंस बिश्नोई कहाँ गए? नहीं सर, पंजाब में गैंगवार बढ़ रहा है और आप हरियाणा को दोष दे रहे हैं सर। अरे जो करके हरियाणवी हैं वो गैंगस्टर सारे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल से, जहां पर पहुंचे हैं सिमरनजीत सिंह मान जो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के नेता है, और इन्होंने संगरूर से जीत हासिल की है, चुनावों में तकरीबन 6000 वोटों से जीत हासिल की है। और इस बार जो ये सांसद बने हैं, तीसरी बार सांसद बने हैं और लगातार अपनी आवाज बुलंद रखते हैं और उपचुनावों में उन्होंने जीत हासिल की है। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पहले ये पुलिस में भी रहे, उसके बाद इन्होंने राजनीति में कदम रखा और पहली बार ये सांसद बने, दूसरी बार फिर सांसद बने और तीसरी बार अब उपचुनावों में इन्होंने जीत हासिल की है। और यहाँ पर करनाल में इनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है, फूल इन्हें दिए जा रहे हैं, बुके इन्हें दिए जा रहे हैं। संगरूर से इन्होंने उपचुनावों में आम आदमी पार्टी के नेता को मात दी है, तकरीबन 6000 वोटों से मात दी है। और सिमरनजीत सिंह मान हमेशा अपनी आवाज बुलंद करते आए हैं तमाम मुद्दों को लेकर, और अब ये सांसद पद की शपथ भी लेंगे। बताया जाता है कि पहली बार इन्होंने सांसद का जो पद है वो छोड़ भी दिया था, क्योंकि ये सिख समाज से आते हैं और अपनी कृपाण जो है वो लेकर जाना चाहते थे संसद में, लेकिन वहां मना कर दिया गया और जिसके बाद इन्होंने अपनी सांसदी छोड़ भी दी थी। और फिलहाल आप देख सकते हैं भूखे देकर फूल मालाएं पहनाकर इनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आम आदमी पार्टी को हराया है संगरूर में उपचुनावों में तकरीबन 6000 वोटों से, और मौजूदा जो राज्य सरकार है पंजाब में वो आम आदमी पार्टी की है, और ऐसे में सिमरनजीत सिंह मान की जो जीत है वो अपने आप में एक बड़ी जीत हो जाती है, क्योंकि
मौजूदा जो पार्टी है, जो सत्ता पार्टी है, उसके उम्मीदवार को उन्होंने मात दी उपचुनावों में। हर जो भगवंत मान है वो पहले वहां से सांसद थे, लेकिन उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गए और ऐसे में वो सीट खाली हो गई। और जब उपचुनाव हुआ तो उसमें सिमरत सिंह मान का जीत हासिल की उन्होंने तकरीबन 6000 वोटों से। और फिलहाल आज जब करनाल पहुंचे हैं तो उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है और साथ ही साथ थोड़े ही दिनों में वो सांसद पद की शपथ भी लेने वाले हैं। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहां पर स्वागत किया जा रहा है सिमरनजीत सिंह मान का, और डोलर का जो हार है वो पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। तमाम लोगों ने फूलों की माला पहनाई और कई लोग डोलर की माला पहना रहे हैं। ये एक स्वागत किया जा रहा है सिमरनजीत सिंह मान का। तमाम सवाल उनसे होंगे। संगरूर से उन्होंने उपचुनाव जीता है, आम आदमी पार्टी के नेता को उन्होंने मात दी है तकरीबन 6000 वोटों से और तीसरी बार इस बार सांसद बने हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चुनाव जीतने तुसी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हरा के लोकसभा पहुंचे, की कुछ कहना चाहोगे? मैंने बड़ी खुशी हुई है जी करनाल आके, क्यों करके साझा लगता है कि जितने भी असि पाकिस्तान तो उजड़ के आए हैं जी, साडे सिख भरा ते पंजाबी करनाल जिले दे विच आके वसे है। सो इत्थे आके मैनूं बहुत बहुत खुशी हुई है ते मेरा स्वागत भी बहुत अच्छा होया है, वधिया होया है। मैं तुहाडा प्रेस दा सारयां दा बहुत बहुत ऋणी हां। सर लोकसभा पहुंचे हो तुसीं, पंजाब दे की मुद्दे ने जिन्हां नूं तुसीं लोकसभा दे विच चकोगे, क्योंकि 1.5 साल दा लगभग जो कार्यकाल है वो रह गया लोकसभा दा, की कुछ कहना चाहोगे? नहीं, 2 साल रहते हैं, 1.5 साल नहीं रहता, मेरे 6 महीने ना कटाओ तुसी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बार आपने सांसदी छोड़ भी दी गई थी क्योंकि कृपाण लेकर नहीं जाने दिया गया था, इस बार आपका क्या रहेगा अगर इस तरीके की बात रखी जाती है तो? देखिए ये बात ये है कि हम हिंदू मेजोरिटेरियन स्टेट में रह रहे हैं और इंडिया में हिंदू का राज है, पर कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 25 कहती है कि एक सिख तरपान पहन भी सकता है जी और कैरी भी कर सकता है। बले सोनिया, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन 25 धारा बोल रही है जी। आप हिंदू मेजोरिटी के ऊपर निर्भर है, बैठ जाइए कि हमको ये जो हमारा राइट है इसको एक्सरसाइज करने देंगे कि नहीं करने देंगे जी, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये आप लोग बताइए कि आप हिंदू हैं कि एक कम गिनती के मेंबर पार्लियामेंट जिसका कानूनी और संवैधानिक हक है कृपाण लेके जाने का, कि आप लोग उसको लेके जाने देंगे कि नहीं देंगे? कृपाण नहीं लेके जाने दिया जा रहा आजकल, उसके दिल्ली मेट्रो के अंदर भी कृपाण अलाउड नहीं है, वहाँ नहीं लेके जाने देते। कोई भी सिख पहुँचता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है और कृपाण भी उतरवाई जाती है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे? तो फिर गांधी जी ने और नेहरू जी ने सिखों को विश्वास दिलाया था कि अगर आप हिंदुओं के साथ चलेंगे सिख लोग तो आपको एक ऐसा इलाका दिया जाएगा जहां आप सिख लोग आज़ादी का निक मान सकेंगे। तो फिर ठहर जाओ जी, अब हम ठहर जाओ, ये इसका मतलब है कि हमारे सिख लीडरों ने गलत वेदों के ऊपर अपना फैसला करके हिंदुस्तान के साथ रहने का फैसला किया है और जितने भी वेदे किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के उसके ऊपर भी मुनकर हो गए हैं मेजोरिटेरियन हिंदू, तो इसका क्या इलाज है ये देखना पड़ेगा। आप संसद की जब शपथ लेंगे
जब आप संसद की शपथ लेंगे तो उसमें लिखा होगा कि देश की अखंडता के लिए काम करना है, देश की मजबूती के लिए काम करना है, लेकिन आप बात करते हैं कभी कभी खालिस्तान की, क्या वो ठीक है सर? आप बहुत अच्छी बात की है, पर मेरे बात को पूछो कि सब बीजेपी आरएसएस मेंबर्स ने वो ही सौ चक्की है, शपथ कहने हो हिंदी, हाँ जी, वो ही शपथ चक्की है, पर 2020 में लद्दाख का 900 इलाका चीन को क्यों लौटा दिया है? उन्होंने कहा है कि हम रक्षा करेंगे हिंदुस्तान की धरती का, तो 2020 में चीन को 900 किलोमीटर स्क्वायर क्यों लौटा दिया है? और 1962 में मेजॉरिटी ने, जिन्होंने यही शपथ चकी थी, उन्होंने 40,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन को लौटा दिए, और लद्दाख ये इलाका है जो लाहौर दरबार महाराजा रणजीत सिंह की हुकूमत ने 1834 में फतेह करके सिख दरबार से साथ जोड़ दिया था। हमारी सिखों की भावना लद्दाख से जुड़ी हुई है। तो आप बहुत अजीब सवाल पूछते हैं कि आप शपथ चकेंगे उसके ऊपर आप रहेंगे, तो आपके आदमी तो रहते नहीं, मेरे आदमी नहीं है सर। नहीं, क्या क्या मेरे आदमी नहीं, नहीं, पहले कांग्रेस थी, अब 1962 में कांग्रेस थी और 1920 में बीजेपी आरएस थी, आपके आदमी थे जिन्होंने लटा दिया हिंदुस्तान को। तो आप आगे खालिस्तान की बात करेंगे सर? क्या लगता है खालिस्तान की मांग करने वालों को? पहले मेरा जवाब दे दो कि ये ठीक है कि नहीं, कि शपथ तो चटी है कि हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे भारत की, पर सारा इलाका तो लद्दाख का चीन को दे दिया आप लोगों ने, वापिस की मांग करते हो आप? और वो हमारा इलाका है, ऐसे टालो मत मेरे को। तो कश्मीर भी 1819 में महाराजा रणजीत सिंह की फौजों ने, ये अफगानिस्तान का सूबा होता था कश्मीर, 1819 में महाराजा रणजीत सिंह की फौज ने अफगानिस्तान से फतेह करके लाहौर दरबार सिख राज से जोड़ दिया था, पर 1947 में जब हिंदुत्व का राज आया तो वो कश्मीर को एक नहीं रख सके और पाकिस्तान को भी दे दिया, चीन को भी दे दिया। बताइए ये कौन सी शपथ की मेरे से आप वादा करते हो, जब मेजोरिटी तो वैधे पर रहती नहीं, सारे इलाके ही देते हैं। अभी मांग करते हैं आप हार गए एंड मान साहब, आप खालिस्तान की बात मांग कर रहे हैं। देखो देखो तुसी वो डिबेट में हार गए हो, मेरा जवाब दो, आप इस बात का जवाब दो, अखंड भारत की बात करते हैं हम, जिस अफगानिस्तान की आप बात कर रहे हो वो भारत के अंदर आता था, जिस पाकिस्तान की बात करते हो वो भी भारत की भूमि है, कंधार की बात करोगे तो वो भी भारत की भूमि है, अखंड भारत की बात में आपका क्या कहना है? वो तो आप ऐसे ही लगा दिया आरएसएस ने कि हम वो भी लेंगे, बर्मा भी लेंगे, सिलोन में भी लेंगे, तो आप लद्दाख और कश्मीर को तो रख नहीं सकते, तो क्या लेंगे? ऐसे ऐसे बोलेंगे ऐसे? वाह, खालिस्तान की, खालिस्तान का नाम लेने वाले को आतंकवादी बोला जाता है, लेकिन आप लगातार खालिस्तान की मांग उठा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैंने पहले ये जवाब तो दे दें कि हिंदुस्तान को एक रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, तो फिर अगर खालिस्तान चाहिए तो फिर वो भी ठीक है, अगर ये अपनी धरती को पाकिस्तान चीन को दे रहे हैं, अगर खालिस्तान को मंजूर कर देंगे तो उसके साथ एक बफर स्टेट बन जाएगी, इस्लामिक पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हिंदू इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, कॉमरेड चीन के पास न्यूक्लियर वेपन है, खालिस्तान इन तीन मुल्कों का एक आपके लिए बफर स्टेट बन जाएगा, जिसके साथ दक्षिण एशिया में कभी न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा। और ये बात बताइए
कि आपके चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं चंडीगढ़ हमारा है, पर उन्होंने तो जमीन चंडीगढ़ से बाहर ले ली है असेंबली की। मेरा मतलब कहने का है जो हरियाणा के आपके सियासतदान हैं वो मेरे जैसे देहात से आते हैं, और जो हम लोग देहात से आते हैं ना, हम भैंस का दूध पीते हैं, और भैंस का दूध पीने वाले का दिमाग मोटा हो जाता है। अच्छा। तो आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं दो दफा बन गए, ये लाले हैं, ये गाय का दूध पीते हैं। तो मेरा मतलब है कि आप हरियाणा को बड़ा बनाइए, आप सहारनपुर की डिवीजन लो, आप आगरे की डिवीजन लो, आप मेरठ की डिवीजन लो, भरतपुर की डिवीजन लो, हरियाणा को बड़ा बनाओ, और करनाल और सतसे से जो पहाड़ की तरफ है वो पंजाब में आ जाएगा। तो मेरा मतलब है मोटा दिमाग। देखो एक पंजाबी लाला हरियाणा बना था हरियाणवे के लिए, पर आप लोगों ने तो एक पंजाबी लाला आपका चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, आपको शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? नहीं, इसमें शर्म की क्या बात है जी? है शर्म की क्या नहीं है? अरे आप हरियाणवी हैं और पंजाबी आपके ऊपर चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, तो ये शर्म नहीं है? सर संसद, अच्छा फिर शर्म की कमी होगी, फिर शर्म की कमी होगी? सर आप ये जनता को कह रहे हैं या पत्रकारों को कह रहे हैं? नहीं पत्रकारों को, तो आप भी तो जनता है, आपने जनता को बात बोलनी है सारी। मैंने तो आप भी मुझे भी कहा है कि हम भैंसी का दूध पीते हैं, तो मोटा दिमाग होता है। सर हम तो गाय का पीते हैं। है जी, गाय का पीते हैं। हाँ आप पंडित लोग हैं वो तो पीते हैं गाय का, तभी आपका दिमाग साहब। संसद की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें कहा गया है कि अब तानाशाह, संवेदनहीन, खालिस्तान ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना, क्या समझते हैं आप? मेरे पास ये खबर आई नहीं है, आपने बताई है, इसको मेरे को पढ़ना पड़ेगा, पर आर्टिकल 19 में हमको अपनी बात कहने की पूरी फ्रीडम है, और खालिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है कि आप खालिस्तान की बात कर सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप मीटिंग्स कर सकते हैं, खालिस्तान की बात के ऊपर कोई रोक नहीं है। सर भगत सिंह को लेकर आपने कहा था कि भगत सिंह आतंकवादी है, आपने जो मोहाली एयरपोर्ट था उस पर भी प्रेशर बनाया कि भगत सिंह के नाम पर ना रखा जाए, क्या स्टैंड है इस पे आपका? ऐसा क्यों कहते हैं लोग, तो उनको शहीद आजम कहते हैं, आप उनको आतंकवादी कहते हैं? आप समझिए सर, भगत सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान आईपी का अफसर मार दिया था, एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल चंदन सिंह मार दिया था, जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है का भगत है, ये आप बता दिए। पुलिस भेगना, पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात है। देश की आजादी के लिए तो गलत नहीं है सर, देश की आजादी के लिए तो गलत नहीं है, ये आपकी सोच है। लेकिन भगवंत मान ने तो शपथ उनके गांव में ली है, पर क्या लाखों युवाओं ने, यानी कि उसका कुछ भी हो पर टेररिस्ट तो हैं। अगर आप बेगना पुलिस आदमियों को मार देंगे, पार्लियामेंट पार्लियामेंट में बम फेंक देंगे, देश की आजादी के लिए भिंडरावाला की लोग तस्वीर लगाते हैं, ये आर्गुमेंट नहीं, नहीं ठीक है। भिंडरावाला टेररिस्ट, टेररिस्ट भिंडरावाला क्या है? भिंडरावाला क्या है? गोडसे के लिए आपका क्या कहना है? महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, लेकिन आज की सरकारें गोडसे को देशभक्त कहती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो यही तो बात है, इनकी डबल स्टैंडर्ड है, जो इनको अच्छा लगता है प्रेस को, इसने कम गिनती सिखों के ऊपर रोक डाल के हमको गलत बात कहने को बताते हैं। इनके प्रेस अब बीजेपी आरएसएस की तरफ हो गई है, और सब गलत बातें भगत सिंह को कह रहे हैं कि वो हीरो है, और गॉड से भी कहते हैं हीरो है। मैं तो नहीं समझ रहा हूँ।
भिंडरावाला के लिए क्या सोच रखते हैं सर आप? भिंडरावाला नेशनल लीडर था सिखों का, वो आजादी दिलाना चलाता था, तो वो एक बहुत बड़ा सिखों का लीडर था जी। लोग उसकी तस्वीर लगाते हैं, और अभी पीछे जो पन्नू है उसने यहाँ पर पोस्टर लगवा दिए करनाल में कि खालिस्तान बनेगा, हरियाणा का भी उसका हिस्सा होगा, आप उसे सही मानते हैं सर? हाँ, करनाल तो फिर पंजाब में जाना चाहिए ना, मैंने तो बोला कि मेरठ की डिवीजन आपके पास आनी चाहिए, सहारनपुर की आनी चाहिए, मेरठ की आनी चाहिए, भरतगढ़ की, भरतपुर की आनी चाहिए, तो करनाल और इससे जो नॉर्थ को इलाके हैं वो तो पंजाब में लगेंगे। जो देश में तोड़ना चाहते हैं उनसे पूछिए कि कश्मीर हम लोगों ने सिखों को ने पूरा दिया था, आपको लद्दाख पूरा दिया था, तो देश तो कांग्रेस ने और बीजेपी आरएसएस ने तोड़ा है, सिखों ने तो जोड़ा है। चलाने से बात नहीं होती है, दलील से बात कर रहा हूँ। आप बताइए, आप बताइए कि कांग्रेस ने और बीजेपी आरएसएस ने देश को तोड़ा है? नहीं तोड़ा, तोड़ दिया, लद्दाख दे दिया, कांग्रेस ने कश्मीर दे दिया, चीन को कश्मीर दे दिया, तो इससे ज्यादा सबूत मैं क्या दे सकता हूँ आपको? तो फिर जो हमारे बड़े लोग कहते हो उनके देश पर ही हमको चलना पड़ता है, कम गिनती को आपका जो आपका उदाहरण है उसके ऊपर दूसरे लोग चल पड़े तो आपको वो बुरा लगता है। आप कहते हैं देश तोड़ना है, देश तो बीजेपी कांग्रेस आरएसएस ने तोड़ तो दिया है। क्या बनवाएंगे सर खालिस्तान? आप लड़ाई लड़ेंगे क्या? आप खालिस्तान के लिए लड़ाई लड़ेंगे? हम लद्दाख लेने के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं और लड़ाई हम लड़ रहे हैं अमन पसंद तरीके के साथ, बात के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं सर। आप सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई सर, उससे पहले एक और पंजाबी कलाकार की हत्या हो गई, किस तरीके से देखते हैं? अगर अगर आप इतने लोग बोलेंगे, अगर आप इतने लोग बोलेंगे तो मैं जवाब नहीं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, उससे पहले एक और पंजाबी कलाकार की हत्या मौत हुई, संदिग्ध मौत हुई, किस तरीके से देखते हैं? और सिद्धू मूसेवाला की मौत का तो आपको फायदा भी मिला सर चुनावों में। मेरे को तो सबको फायदा मिलता है, बीजेपी को गोडसे का भी फायदा मिला है, ऐसे मत बोलो। जो चीज होती है किसी को, किसी का नुकसान होता है किसी का फायदा होता है, तो ऐसे क्या कहते हैं कि मेरे को फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ मेरे? आप तो गए भी थे एक जान। हाँ जी, आप गए भी थे उनके अंतिम भोग में? तो मैं तो उनका आदमी था, मैं क्यों नहीं था जाना? वो तो मेरे को बुला रहा था कि बापू मेरे पास आओ। अगले दिन मैं गया उनके घर, मैंने बोला मूसेवाल मैं तो तेरे घर आ गया हूँ, तो तू तो इधर रहा ही नहीं है, तो इसमें क्या बात है कि खतरा था उनको पहले से? खतरा था उनको पहले से? क्या खतरा था उनकी जान को पहले से? ऐसा कुछ बिल्कुल खतरा था, दिल्ली पुलिस ने पंजाब गवर्नमेंट को बता दिया था, आईबी ने बता दिया था कि उसकी जान को खतरा है, पर आम पार्टी की सरकार, भगवंत जी ने, होम सेक्रेटरी ने, डीजीपी ने, चीफ सेक्रेटरी ने मूसेवाल साहब की सिक्योरिटी वापस ले ली थी, और जब भी वापस ली अगले दिन उनका कत्ल हो जाता है। ये तो जिम्मेवारी स्टेट की है कि स्टेट ने कत्ल कराया है, और आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेट ने कत्ल कराया? तो फिर और क्या? आप रिपोर्टर हैं, आप लॉजिक को नहीं समझते कि जब दिल्ली की पुलिस ने बता दिया, जब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बता दिया पंजाब की सरकार को
कि इनका कत्ल होगा, तो उन्होंने सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, अगले दिन कत्ल हो गया, तो आपकी बुद्धि क्या बताती है बताइए? मेरे ऊपर तो आप रोशनी कर रहे हैं, इसको अपने ऊपर रोशनी करके देखिए क्या समझे। तो संसद में उठाएंगे सर ये सवाल भी, पंजाब सरकार के ऊपर ही फिर मामला दर्ज होना चाहिए अगर इतना डाउट है आपको तो? बिल्कुल होगा, और सिद्धू साहब का हरियाणा और सेंटर के ऊपर होगा, क्यों करके जो सिद्धू साहब थे हरियाणा में उनका कत्ल हुआ है और सूझबूझ के हुआ है, अभी तक हरियाणा ने कोई तफ्तीश नहीं की है। ये लोग हैं, ये नई सोच जो सिखों में आ रही है उसके ये लीडर बन रहे थे, और मेरे मरने के बाद शायद इनको लीडरशिप आती, तो इनको लीडर ना बनने देने के लिए इनको पहले मरवाया गया। पंजाब में इतना गैंगवार क्यों बढ़ रहा है सर? पंजाब में सर एक मिनट ये पंजाब में इतना आपके सब हरियाणवी हैं जो गैंगस्टर हैं, हमारे पंजाब में बहुत थोड़े हैं। आप लिस्ट देखिए हरियाणवी के बहुत ज्यादा गैंगस्टर बन गए हैं जो पंजाब में ऑपरेट। गोल्डी ब्रांड नहीं, पंजाब का कोई नहीं है सर। गोल्डी ब्रांड कहां से है जिसने जिम्मेवारी ली मुझसे? मतलब गोल्डी ब्रांड कहां से है? लॉरेंस बिश्नोई कहां से है? एक आदमी गोल्डी है पंजाब का, पर मारने वाले तो सारे हरियाणवी हैं। नहीं, लॉरेंस बिश्नोई कहां गए? नहीं सर, पंजाब में गैंगवार बढ़ रहा है और आप हरियाणा को दोष दे रहे हैं सर। अरे क्यों करके हरियाणवी हैं वो गैंगस्टर सारे। मतलब है लाला जी समझ नहीं कि हरियाणा वड्डा बन सकता है जे सहारनपुर की डिवीजन मेरठ की आगरे की भरतपुर की आ जाए, जे ये डिविजन हरियाणा च आ जाए, जेडे ये हरियाणवी लोग हैं। सिमरनजीत सिंह मान जिन्होंने हाल ही में उपचुनावों में संगरूर से जीत हासिल की है और अब 18 तारीख को वो दिल्ली में सांसद पद की शपथ लेंगे, लेकिन जब भी सिमरनजीत सिंह मान का नाम सामने आता है तो उनके साथ विवाद जुड़ जाता है क्योंकि वो अक्सर खालिस्तान की बात करते हुए नजर आते हैं। और आज भी जब उनसे तमाम सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि जब हिंदू बात करते हैं और जब सिख बात करते हैं तो वो मेल नहीं खाता है, जिसके कारण विवाद उठ जाता है। और उन्होंने कहा कि कश्मीर का कुछ हिस्सा क्यों दे दिया गया पाकिस्तान को, लद्दाख का कुछ हिस्सा चीन को क्यों दे दिया गया, और ऐसे में जब वो सरकारें अपने राज्यों को नहीं संभाल पा रही तो ऐसे में कहीं ना कहीं विवाद होना लाजमी है, मुद्दे उठना लाजमी है। बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कर लेते हैं, उन पर भी उन्होंने निशाना साधा, हरियाणा की जनता पर निशाना साधा। पहला निशाना ये कि हरियाणा की जनता हरियाणवी है और उन्होंने एक पंजाबी को सीएम बना दिया, क्या हरियाणा के लोगों को शर्म नहीं है? ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात खुद सिमरनजीत सिंह मान ने कही है। क्या ये बात करना ठीक है? क्या पूरा देश एक नहीं है? क्या पंजाबी चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, सब भाई भाई नहीं है? दूसरी बात, जब उनसे सवाल किया गया सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो जाता है, क्या पंजाब में गैंगवार बढ़ रहा है? उन्होंने कहा कि पंजाब में जो गैंगवार है वो पंजाब के लोगों का नहीं है, उसमें हरियाणा के गैंगस्टर हैं, हरियाणवी गैंगस्टर हैं, यानी कि वो हरियाणा के युवाओं को गैंगस्टर बताते हुए नजर आए। उनकी जो भाषा थी कहीं ना कहीं विवादित थी और कहीं ना कहीं इससे मुद्दा जरूर गरमाएगा, और क्या कुछ इनके जवाब का जो बाकी पार्टियां हैं वो जवाब देती हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। लेकिन एक बड़ी बात और, भगत सिंह को, जो शहीद आजम भगत सिंह थे जिन्होंने देश को आजादी दिलवाई, उन्होंने उसे भी आतंकी बोल दिया। आतंकी कितना बड़ा शब्द होता है, क्या तगमा लगा दिया, आप खुद सोचिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।